इसी बीच आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज बता दें, जहां 28 मई को दो चरणों में होगा नई संसद का उद्घाटन। ये बड़ी अपडेट, जहां पर पीएम मोदी ही करेंगे नई संसद का उद्घाटन। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक होगा ये कार्यक्रम। इस वक्त हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 28 मई को दो चरणों में नई संसद का उद्घाटन होगा। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि जहां पर 28 मई को दो चरणों में नई संसद का उद्घाटन होते हुए नजर आ रहा है, तो 20 विपक्षी दल ने इनकार कर दिया है कि वे इस नए संसद भवन के उद्घाटन के अंदर शामिल नहीं होंगे। और उनका कहना यह है कि यहां पर राष्ट्रपति मौजूद क्यों नहीं होंगे और राष्ट्रपति द्वारा क्यों नई संसद भवन का उद्घाटन कराया जा रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से लगातार बायकॉट किया जा रहा है संसद के उद्घाटन को लेकर, और 20 विपक्षी दल इस उद्घाटन में शामिल होने से इनकार कर रहे हैं। इसके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बड़ा बयान सामने आया कि सबके लिए समान है, सभी को इसमें शामिल होना चाहिए, सबको भाग लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। यहाँ पर सभी जितनी भी विपक्षी पार्टियां जो बायकॉट कर रही हैं, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस उद्घाटन में, इस कार्यक्रम में उपस्थित हो। लेकिन इस बीच जय, खास बात यह है कि ना केवल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बात कहते हुए नजर आए, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी ये बात कही कि इससे पहले कई सारे ऐसे अवसर रहे हैं जहां पर कांग्रेस ने भी लाइब्रेरी का, संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन जो है वह उस वक्त राजीव गांधी द्वारा करवाया, और साथ ही इंदिरा गांधी भी जो है एक नए एनएक्स का उद्घाटन करते हुए नजर आए। तो ये आपत्ति कांग्रेस क्यों जता रही है, जब उनके द्वारा भी, उनके मंत्री उस वक्त जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने संसद के कहीं से ऐसे वर्ग गए हैं जहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी ये भी खबर सामने आई थी पलक की, ओम बिरला ने खुद जाके प्रधानमंत्री को न्योता दिया था उद्घाटन करने के लिए, तो इस पर क्यों विपक्ष आपत्ति जता रहा है फिलहाल। लेकिन लगातार जो 20 विपक्षी दल है उनकी तरफ से आपत्ति जताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन इस बीच अब देखने वाली बात ये होगी, अब से 2 दिन बाद यानी कि 28 को इसका उद्घाटन होना है, तो नए संसद के उद्घाटन की रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली बताते चले। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन पूजन होगा, पूरे विधि विधान से इस उद्घाटन की जो शुरुआत है वो की जाएगी, जो कि समय रहेगा 7:30 से 8:30 तक, और वैदिक विधि विधान के साथ हवन पूजन होगा, और इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, जहां ये पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा। जो पंडाल की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है वो गांधी मूर्ति के पास की गई है। तो इस बीच आपको बता दें 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सत्ता हस्तांतरण भी होते हुए नजर आएगा, और ये पूरा कार्यक्रम से जुड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितने बजे क्या कार्यक्रम रहेगा, ये पूरी अपडेट है आप सभी की टीवी स्क्रीन पर। न्याय के प्रतीक सेंगोल को स्थापित किया जाएगा इसी तारीख को, और सेंगोल आप जान सकते हैं कि अभी काफी ज्यादा चर्चा में जो है बना हुआ है, हर किसी की निगाहें हैं। तो सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन जो है वह किया जाएगा, तो नए संसद उद्घाटन की रूपरेखा किस तरीके से होगी उसकी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरह से कुछ रूपरेखा रहने वाली पूरे कार्यक्रम की, और दूसरे चरण में क्या कुछ रहेगा वो भी आपको बताते चले, जहां दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की तैयारी 12 बजे से शुरू कर दी जाएगी और कार्यक्रम को शुरुआत की जाएगी उद्घाटन के लिए, जहां राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले राष्ट्रगान किया जाएगा, उसके बाद ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण और दूसरे चरण में ये कार्यक्रम संपन्न होगा, मौके पर 2 लघु फिल्मों की भी स्क्रीनिंग होगी, यानी कि स्क्रीनिंग के माध्यम से भी ये संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लघु फिल्में चलाई जाएंगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दूसरे चरण के अंदर डिप्टी राज्यसभा चेयरमैन देंगे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि इतिहास के अंदर जब आने वाले समय के अंदर अगर जय हम देखें तो ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि 1927 के अंदर जो संसद था उसका उद्घाटन हुआ था, और ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके अंदर नई संसद भवन का उद्घाटन होते हुए नजर आ रहा है। बड़ी बात है, विपक्ष के नेताओं का मौके पर संबोधन होगा दूसरे चरण के अंदर। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प होगा ये जया कि इस चरण के अंदर जो ये विपक्ष वहां पर संबोधन करेगी तो विपक्षी पार्टियों में उस पर कौन होगा, क्योंकि अभी सिर्फ केवल और केवल बीजेपी ने हावी भरी है कि वो शामिल होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी संबोधन होते हुए नजर आएगा, ये दूसरे फेज की आपको जानकारी दे रहे हैं, दूसरे फेज में क्या कुछ कार्यक्रम जो है वे रहने वाला है। और इस बीच एक सिक्के और स्टैम्प को भी जारी किया जाएगा, कहा जा रहा है कि 75 रुपए का ये सिक्का रहने वाला है, इसकी भी जानकारी जो है
वे सामने आ रही है। तो एक सिक्के और एक स्टैम्प का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी के संबोधन के साथ कार्यक्रम का समापन होते हुए नजर आएगा, यानी कि शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और समापन भी जब हम कार्यक्रम का देखेंगे तो पीएम मोदी का एक संबोधन होते हुए नजर आएगा। तो काफी ये कार्यक्रम जो है वह दिलचस्प रहने वाला है। 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन है और पूरा देश उत्साह में है। और इस बीच अगर जो है हम बात करें, ना केवल देश, पूरे विश्व के इस वक्त भारत के ऊपर नजर जो है वे बनी होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी इस मौके को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष इनकार कर रहा है शामिल होने से उद्घाटन में, तो दूसरी तरफ हमें विपक्ष का संबोधन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से कौन संबोधित करता है, क्योंकि बीजेडी की तरफ से हामी है, बाकी अन्य में से कौन शामिल होगा, कौन यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आएगा, वो देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब जब कार्यक्रम का समापन होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के संबोधन के साथ समापन किया जाएगा, तो काफी एक देश के लिए एक सम्मान वाला पल भी होगा।